हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर नाइन पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे चैप्टर नाइन और चैप्टर नाइन में हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रथम साम्राज्य के बारे में इससे पहले हम लोगों ने राज्य के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था कि राज्य कैसे विकसित हुआ पहले क्या था एक छोटा सा कबीला जिसको गन बोलते थे गन से क्या बना राज्य बना और राज्य कैसे बना ये चैप्टर सेवन में देखे थे उसके बाद चैप्टर एट में हम लोगों ने देखा ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत क्यों हुई और फिर से जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कैसे उस उस समय का समाज कैसा था उसके बारे में जाना फिर अलग अलग धर्मों की शुरुआत क्यों हुई क्या कारण थे इसके बारे में भी हम लोगों ने जो चैप्टर एट है उसमें जाना अब इसमें यानी कि जो चैप्टर नाइन है इसमें क्या पढ़ना है प्रथम साम्राज्य के बारे में तो हम लोगों ने जाना कि राज्य क्या होता है अब इस चैप्टर में जानेंगे कि साम्राज्य क्या होता है ठीक है और साम्राज्य किसे कहते हैं क्या होता है साम्राज्य और सबसे प्रथम साम्राज्य कौन था सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था और उस साम्राज्य का शासक कौन था इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नाइन को जिसका नाम है प्रथम साम्राज्य ठीक है तो इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से कहानी से करते हैं एक लड़का है जिसका क्या नाम है सुरेश क्या नाम है सुरेश अपनी माँ के साथ कहाँ जाता है गणतंत्र दिवस की परेड देखने कहाँ पे जाता है गांधी मैदान पटना हर एक साल जो गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों यानी कि 15 अगस्त और 26 तो जनवरी को क्या लगता है वहाँ पे झांकी निकाली जाती है कहाँ पे पटना गांधी मैदान में अगर आप भी अगर आप पटना से तो जरूर देखे होंगे और अगर और भी दूसरे क्या है जिले से हैं तो आ करके पटना में आप देख सकते हो वहाँ पे क्या है परेड निकाला जाता है जैसे दिल्ली में राजपथ पर क्या निकाला जाता है परेड निकाला जाता है ठीक उसी तरीके से पटना में भी क्या निकाला जाता है परेड निकाला जाता है तो क्या करा है कि पटना के गांधी मैदान में सुरेश और उसकी माँ जाती है क्या देखने झांकी देखने के लिए जाते हैं और निर्धारित समय पर वे पहुँच विभिन्न झांकियों और सुंदर दृश्य सामने से गुजरने लगा यानी कि जैसे ही वो लोग गए जब झांकी निकल रही थी तो बहुत सारी झांकियाँ निकल रही थी मतलब परेड में निकल निकल रहा था ठीक है उसके बाद क्या होता है कि गुजरने लगा और एक झांकी ऐसी थी जिस पर लिखा था मगध साम्राज्य का महान शासक अशोक क्या लिखा था मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक अब ये सुरेश जो है ना वो सोचने लगा कि ये अशोक कौन है और उसको महान क्यों बोला गया महान सम्राट क्यों बोला गया इसके बारे में अशोक सुन र... सोच सोचने लगा ठीक है तो यहीं से शुरुआत होती है हम लोग इस चैप्टर में खास करके अशोक के बारे में ही जानेंगे उसके कार्य के बारे में जानेंगे कि उसने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे उसके बारे में समझेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं तो क्या करें कि चैप्टर सेवन में अध्याय सेवन में आप लोगों ने सोलह महाजनपदों के बारे में पढ़ा है हम लोग पढ़े थे सोलह महाजनपद के बारे में और उन सोलह महाजनपदों में कुछ प्रमुख जो महाजनपद थे वो कौन थे मगध हो गया कौशल हो गया अवंती हो गया या फिर ये अंग हो गया ये कुछ क्या थे महत्वपूर्ण महाजनपद थे ठीक है अब क्या करें कि ये सारे महाजनपद ये जितने भी सोलह महाजनपद थे ये धीरे धीरे क्या होते गए मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे हम लोगों ने जाना था कि जो सोलह महाजनपद थे वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे अधीन होने का मतलब क्या है कि उसके कब्जे में यानी कि जितने भी जो सोलह महाजनपद थे इन सभी महाजनपदों को तो सबसे जो ताकतवर था वो मगध महाजनपद था तो ये क्या किया कि जितने भी और भी बाकी जो महाजनपद थे उनको अपने कब्जे में क्या किया जा रहा था लेते जा रहा था आप सबको हथियाते जा रहा था जीतते जा रहा था उस पर कब्जा करते जा रहा था और मगध राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों से अपने मिलाकर बड़ा साम्राज्य होते जा रहा था यानी कि दो तरीका अपनाता था यानी कि जो मगध के राजा होते थे वो दो तरीके से किसी भी आ, किसी भी महाजनपद को अपने में मिला लेते थे पहला या तो सैन्य के सैन्य सैन्य शक्ति के द्वारा सैन्य शक्ति कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो अपनी सेना के द्वारा अगर कोई राजा से युद्ध लड़ करके यानी कि जो जो सामने वाला मान लीजिए यहाँ पे एक अलग महाजनपद है और ये है मगध तो मगध का शासक क्या करेगा कि इस महाजनपद पे अटैक कर देगा और यहाँ के जो राजा हैं उनको हरा करके इनका जो साम्राज्य है वो अपने साम्राज्य में मिला लेगा तो ये एक तरीका हुआ दूसरा तरीका क्या होता था वैवाहिक संबंध स्थापित करके जैसे हम लोगों ने बिम्बिसार के बारे में पढ़ा था बिम्बिसार कितनी शादियां की थी तीन शादियां की थी और इस तरीके से यानी कि एक हो गया यहाँ पे लिछ्वी वाला लिछ्वी जो गणतंत्र था उसमें साथ ही साथ यहाँ कौशल नरेश की बेटी से शादी किया था और इस तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी राजा क्या करता था अपने साम्राज्य का विस्तार करता था उसको दहेज के रूप में क्या मिल जाता था एक छोटा सा एक बड़ा सा प्रांत मिल जाता था कि ले जाइए ये दहेज के रूप में तो इस तरीके से जो राजा होते थे वो क्या करते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे पहला या तो सैन्य सैन्य विजय के द्वारा या फिर दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करके ठीक है अब क्या करें कि दो सौ ईसा पूर्व में क्या हुआ कि दो सौ ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध का सम्राट बनता है अब यहां पे बात आती है बिंदुसार की तो होता क्या है कि दो ईसा पूर्व में दो ईसा पूर्व में तो होता क्या है कि दो ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक क्या बनता है मगध का सम्राट बनता है क्या बनता है मगध का सम्राट कौन बनता है अशोक इसके साम्राज्य की राजधानी आज का पटना जो कि पाटलिपुत्र थी यानी कि आज जो पटना है उसका प्राचीन नाम क्या है पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र उस समय क्या थे मगध की राजधानी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी जो सोलह महाजनपद थे इन सभी को क्या करते जा रहा था मगध जीतते जा रहा था धीरे 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 करके अपने साम्राज्य को क्या करते जा रहा था विस्तार करते जा रहा था साम्राज्य विस्तार करते जा रहा था तो यहाँ पे अशोक जब शासक बनता है तब क्या होता है कि अशोक जब शासक बनता है तो क्या होता है कि जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं तो यहाँ पे जान लेते हैं कि साम्राज्य क्या होता है तो जो राज्य है जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं साम्राज्य बोलते हैं अशोक जिस समय साम्राज्य प्रशासन करता था उस शासन उस, उस, करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग तेईस वर्ष पहले की थी यानी कि जिस समय जो जब अशोक शासन कर रहा था तो जिस एरिया पे यानी कि जिस साम्राज्य पे अशोक शासन कर रहा था उसके स्थापना कौन किए थे तो उसके दादा उसके स्थापना कौन किए थे उसके दादा कौन चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था कौन अशोक सोच के देखिए आपके दादाजी भी आपके लिए इतने बड़े इम्पायर खड़ा करके चले जाए तो क्या होता है यहाँ पे कि अशोक के जो दादा थे वो इतने बड़े इम्पायर यानी कि इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करके गए थे तो क्या करें यहाँ पे अच्छा तो ये जानते हैं कि जो बिंबिसार था ना कुछ वंश इसके बीच में आते हैं जैसे यहाँ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश था जो अशोक था वो वो किस वंश का शासक था तो मौर्य वंश का शासक था तो मगध पे शासन मौर्य वंश का शासन आने से पहले और भी कुछ वंश थे जिनका शासन था सबसे पहले तो था किसका हरियक वंश का जिसका शासक था बिंबिसार उसके बाद आता है शिशुनाग वंश का किसका वंश कौन से वंश का शासन आता है शिशुनाग वंश का उसके बाद आता है ये नंद वंश का और उसके बाद आता है मौर्य वंश का शासक शासन ठीक है ना तो ये ये क्रम आपको याद रखना है पहला हरियक वंश क्या है पहला जो आपको याद रखना है वो है हरियक वंश उसके बाद आता है शिशुनाग वंश उसके बाद आता है नंद वंश और तब आता है मौर्य वंश ठीक है तो ये आपको याद रखना है और मौर्य वंश का शासक कौन था अशोक किस वंश का शासक था मौर्य वंश का बिंबिसार किस वंश का शासक था तो बिंबिसार था हरियक वंश का अजात शत्रु किस वंश का शासक था हरियक वंश का और उसके बाद आता है शिशुनाग उसके बाद नंद डायनेस्टी जिसमें घनानंद को हरा करके जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश की स्थापना करता है कहाँ पे मगध साम्राज्य पे तो ठीक उसी जब ये जब अशोक यहाँ का शासक बनता है कहाँ का मगध का शासक शासक बनता है तब क्या होता है कि इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे यानी कि जिस समय जिस समय अशोक शासक बन रहा था जब शासक बना था मगध का तो उस समय क्या था बहुत सारे नगर थे जैसा कि मानचित्र में इन नगरों को काले बिंदुओं में दिखाया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नगर थे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये क्या थे मगध साम्राज्य के कुछ नगर थे नगर का मतलब क्या शहर थे अब क्या करें पे कि तक्षशिला उत्तर तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने का मार्ग था यानी कि मध्य एशिया से भारत आने का जो मार्ग था वो कौन था तक्षशिला तक्षशिला कहां पे? यहां पे आप देख सकते हैं ये है तक्षशिला यहां पे आप देख सकते हैं ठीक है कांधार हो गया यहां पे तक्षशिला ये ये वाला जो एरिया था ये था मार्ग किसका था कि मध्य एशिया से आप क्या कहां एंटर कर सकते है? भारत में एंटर कर सकते हैं अब यहां पे होता क्या है कि उज्जैन उत्तरी भारत से आने का मार्ग था उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ता पड़ता था और साथ ही साथ उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ता था यहां पे आप देख सकते हैं ये है उज्जैन ये यानी कि ये हो गया उत्तरी भारत ऊपर वाला पार्ट हो गया उत्तरी भारत और नीचे वाला पार्ट हो गया दक्षिणी भारत तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला जो रास्ता था वो कौन था कहां से होकर के जाता था उज्जैन से होकर के जाता था ठीक है अब आगे क्या कर रहा है कि जैसे रस्ता पर था नगरों क्या है कि नगरों में व्यापारी सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे तो ये जो नगर थे ये जितने सारे नगर आपने देखे इन नगरों में कौन लोग कौन लोग रहते थे तो या, न, व्यापारी लोग रहते थे सरकारी अधिकारी जो राजा के लिए कार्य करते थे साथ ही साथ शिल्पकार रहा करते थे शिल्पकार करने का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं निर्माण करते थे वो लोग रहते थे कहाँ पे नगरों में साथ ही साथ साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान और पोशाक आदि में भिन्नता थी यानी कि ऐसा नहीं था कि मगध साम्राज्य के जितने भी लोग हैं जितने बड़े एरिया में फैला हुआ है मगध साम्राज्य सभी साम्राज, सभी जो लोग हैं हैं वो एक एक ही ही तरीके से एक ही से ढंग रहते हैं। ऐसा नहीं था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के जो लोग रहते थे उनका जीवन जीने का जो तरीका था वो अलग अलग था साथ ही साथ क्या करें कि मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था यानी कि मगध साम्राज्य उसी मौर्य साम्राज्य था वो उसी क्षेत्र में था जिस जिस सम जिस क्षेत्र पे नंद वंश का शासन चल रहा था हम लोग जान जाने थे कि ये ये एरिया इस पे नंद वंश शासन कर रहा है ठीक है एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये वाला एरिया था मगध का जिस पे नंद वंश का शासन चल रहा था घनानंद उसका शासक था लेकिन लेकिन अगर सोच के देखिए अगर यहाँ पे आता है चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ से शासन करने लगता है तो कौन से एरिया पे शासन करेगा जिस पे घनानंद शासन कर रहा था नंद वंश का शासन चल रहा था तो ये हुआ उसके बाद क्या करे कि इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि और यहाँ पे देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया जब मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य मौर्य साम्राज्य का मौर्य वंश का जब यहाँ पे शासन चला तो मगध वाला जो क्षेत्र था वो इतने बड़े एरिया पे फैल गया था यानी कि इन सभी को ये जितने भी राजा थे इन सभी को हरा करके अब इनके एरिया को क्या कर लिया था अपने कब्जे में ले लिया था तो मौर्य वंश जो यानी कि मगध साम्राज्य यहां से लेकर के यहां तक फैल गया था किसके शासनकाल में किस वंश के शासन काल में मौर्य वंश के शासन काल में ठीक है अब क्या करा है कि पश्चिमोत्तर में कंधार एवं कश्मीर का क्षेत्र पश्चिम में सौराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक तक, तक विजय अभियान किया था यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो खुद क्या किया था कि पश्चिमोत्तर में गांधार तक यहाँ तक गांधार कहाँ पे है तो इस एरिया में पश्चिमोत्तर में गांधार तक इस एरिया तक और साथ ही साथ अगर बात करें दक्षिण पश्चिम में तो यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र तक यानी कि इस वाले एरिया तक खुद चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना लेकर के आया था और यहाँ के जितने भी राजा थे इनको हरा करके इनके एरिया को क्या कर लिया था अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना किया था ठीक है तो मगध साम्राज्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल तक इस एरिया तक यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरे क्षेत्र पर क्या कर गया था फैल गया था इसका प्रभाव था अब क्या करा है कि अभियान क्या था इस विशाल साम्राज्य ने अशोक ने इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया लेकिन इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया अब यहाँ पे होता क्या है कि इतने बड़े क्षेत्र पे ये शासन चल रहा था लेकिन कलिंग कलिंग कहाँ पे है तो कलिंग जो आज के उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ये वाला जो एरिया है सॉरी ये वाला जो एरिया है इस इस एरिया में क्या था कलिंग साम्राज्य था ठीक है तो कलिंग को अपने हिस्से में मिलाया कौन मिलाया अशोक लेकिन जब ये अशोक कलिंग कलिंग को अपने हिस्से में मिला रहा था एक एरिया बच गया था कलिंग वाला तो कलिंग वाले हिस्से को जब अशोक अपने हिस्से में मिला रहा था वहां पे क्या हुआ था भीषण युद्ध हुआ था क्या हुआ था भीषण युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे लाखों लोग विधवा हो गए बहुत सारे घायल हो गए और क्या है कि बहुत सारे साधु सन्यासी की मौत हुई इन सब को देख करके जो अशोक है उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने बोला कि हम युद्ध का क्या कर देते परित्याग कर देते परित्याग करने का मतलब क्या हुआ कि त्याग देना छोड़ देना युद्ध करने की जो मनसा है अशोक का उसको त्याग दिया अशोक ने और उसने क्या है कि कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया उसने बोला कि अब आज के बाद हम क्या करेंगे युद्ध नहीं करेंगे जिससे लोगों को नुकसान हो ऐसा हम कार्य नहीं करने वाले हैं ठीक है और यहां से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए करने का निर्णय लेता है कौन अशोक लेता है और युद्ध का परित्याग कर देता है हथियार डाल देता है बोलता है कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमें देखना है क्या साम्राज्य का प्रशासन यानी कि मगध इतने बड़े एरिया पे फैला हुआ था आप देख सकते हैं इतने बड़े क्षेत्र पे जो मगध है वो फैला हुआ था तो यहाँ यहाँ की जो शासन व्यवस्था है लोग एक रूल रेगुलेशन के तरह रहे और सभी लोग राजा को टैक्स दें तो इस चीज इस चीज़ की व्यवस्था करने के लिए कहीं ना कहीं से आ, कैसे हो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हो लोग अच्छे तरीके से समाज जो साम्राज्य उसमें लॉ एंड ऑर्डर बना रहे लोग राजा का सम्मान करें राजा की बातों को माने इस चीज़ की देखरेख करने के लिए राजा आ, राजा का क्या होता था प्रशासन होता था यानी कि राजा के अधिकारी होते थे जो इन सब कार्यों की देखरेख करते थे तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं ठीक है तो क्या करें यहाँ पे कि बच्चों आप सभी ने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का क्या था सम्राट था सम्राट का मतलब क्या होता है राजा तो क्या करें कि इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना क्या था आसान नहीं था क्या क्या इतना पॉसिबल है कि इतने बड़े क्षेत्र पे यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ कर्नाटक तक, तक और इधर वेस्ट बंगाल तक बांग्लादेश तक यानी कि पूरा ये जितना भी एरिया है इन सभी पे क्या था मगध साम्राज्य था तो क्या एक अकेला शासक इतने बड़े क्षेत्र पे शासन कर सकता है नहीं कर सकता है उसको सहयोग करने के लिए क्या होने चाहिए मंत्री होने चाहिए अधिकारी होने चाहिए कर्मचारी होने चाहिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है तो क्या करें कि इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है हम लोग ये जान हम लोग इस वीडियो में ये जाने कि कि इतने बड़े क्षेत्र राजा राजा जो जो है 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 वो शासन कैसे करता था कौन कौन लोग ऐसे थे 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 को क्या 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 करते थे? असिस्ट करते 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 असिस्ट असिस्ट करने का मतलब तो तो होता सहयोग हेल्प ठीक तो प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी जिन्हें अमात्य और मंत्री कहते थे वो लोग रहते थे यानी कि वो लोग क्या करते थे जो मंत्री हैं वो लोग राजा की सपोर्ट करते थे पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग देते थे और राजा अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसमें सहयोग कौन देता था पुरोहित लोग देते थे और क्या है कि राज्य के खजाने की और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा का ये क्या होता था कोर्ट होता था जिसमें क्या है मंत्री लोग बैठ करके राजा को सपोर्ट करते थे बताते थे और ये है इसकी सेना और यहाँ पे राजा बैठा हुआ है और इसके क्या है सभी लोग उसके प्रशासन में सहयोग देने वाले लोग हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो क्या करें कि जो कोषा, जो राजस्व होता था यानी कि जो राजा का खजाना होता था जिसकी देखरेख कौन करते थे तो कोषाध्यक्ष करते थे कौन करते थे कोषाध्यक्ष कोष कोष मतलब क्या होता है भंडार मतलब खजाना जिसको बोलते हैं तो उसके उसकी देखरेख कौन करते थे तो कोषाध्यक्ष करते थे समाहर्ता अथवा तो राजस्व संग्रह करता का काम कर इकट्ठा करना होता था यानी कि जो समाहर्ता समाहर्ता का मतलब क्या होता है कि जो राजस्व टैक्स जो वसूलता था उसको क्या बोलते थे समाहर्ता बोलते थे क्या बोलते थे समाहर्ता अब यहां पे क्या करा है कि जो समाहर्ता होते थे या फिर जो राजस्व संग्रह का काम करते थे उनका काम क्या होता था कर इकट्ठा करना होता था और आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाले भू राजस्व था यानी कि राजा का जो मेन सोर्स था इनकम का वो क्या था भू राजस्व था यानी कि भूमि का जो लगान मिल मिलता था यानी कि जो भूमि से जो टैक्स मिलता था राजा का यही उसका क्या होता था कि मेन इनकम का जरिया होता था और क्या करें कि कुल उत्पादन का एक बटा या एक बटा होता था यानी कि जितना भी जो किसान लोग फसल उपजाते थे उसका उसका कुल हिस्से का यानी कि जितना भी फसल उपजा रहा है उसका एक बटा छः या फिर एक बटा चार लिया जाता था बोला जाता था कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है कि आप छः के जी अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते तो अगर छः के जी फसल का उत्पादन हो रहा है तो उसमें से एक के जी राजा क्या कर लेता था ले लेता था यानी कि एक बटा छः या फिर एक बटा चार भी लेता था यानी कि चार के जी में ही से एक के जी ले लेता था तो ये तरीका होता था क्या टैक्स टैक्स रेट था ठीक है उस समय का यह भी याद रखना है क्या करें कि संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अब बात आती है कि उस समय तो फोन और टेलीफोन तो होता नहीं था या फिर मोबाइल फोन नहीं थे तो राजा ये अपनी बातों को जनता तक कैसे पहुंचाता था तो उसके लिए क्या होते थे संदेश वाहक होते थे क्या होते थे संदेश वाहक यानी कि राजा को जब कभी भी अपनी बात किसी कहीं पहुंचाना होता था तो उसके लिए संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे और साथ ही साथ राजा ये भी देखता था कि

ये जो इतना बड़ा क्षेत्र था इसको छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ था यानी कि छोटे छोटे प्रांतों में क्या कर दिया गया था ये छोटे छोटे प्रांतों में क्या किया गया था मौर्य साम्राज्य को बांटा हुआ था और ये जो ये जितने भी ये जो छोटे छोटे प्रांत होते थे इस, इसकी इसकी देखभाल यानी कि इसके ऊपर शासन किसका होता था ये जो राजकुमार होते थे जो प्रिंस होते थे यानी कि उनको सीखने के लिए एक तरीके से ऐसे बोले कि इस पूरे एरिया पे किसका शासन होगा उस राजा का होगा जो मेन राजा है उसका जो शासन है वो पूरे एरिया पे चलेगा और इस एरिया को अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए इस एरिया पे अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था चले इसके लिए ये इतना बड़ा जो एरिया है साम्राज्य इस इसको छोटे छोटे प्रांतों में क्या कर दिया गया था डिवाइड कर दिया गया था जैसे भारत क्या है पूरा बड़ा देश है और इसको छोटे छोटे क्या है आ, अट्ठाइस राज्यों में क्या कर दिया गया इसको बांट दिया गया है अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे राज्य है उसके किसके अंदर में मुख्यमंत्री के अंदर में तो अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था चल सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो पूरे एरिया पे अच्छे तरीके से शासन नहीं चला सकते इसलिए क्या किया गया है कि राज्यों राज्यों को चीफ मिनिस्टर के अंदर दे दिया गया ठीक इसी तरीके से जो मुगल साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था इसको भी छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों का हेड कौन होता था तो जो प्रिंस होते थे जो राजकुमार होते थे उनको इस क्षेत्र पे शासन करने के लिए भेज दिया जाता था आगे देखते हैं अब क्या होता है कि यहां पे मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत इनमें चार प्रांत जैसे कि मगध हो गया तक्षशिला उज्जैन और स्वर्णगिरी प्रमुख थे यानी कि जितने भी प्रांत थे उनमें चार प्रमुख प्रांत थे कौन कौन थे तो एक हो गया मगध दूसरा हो गया तक्षशिला तीसरा हो गया उज्जैन और चौथा हो गया स्वर्णगिरी अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था यानी कि जब अशोक शासन कर रहा था मगध साम्राज्य का जब शासक था कौन अशोक तो उसकी राजधानी कहां थी पाटलिपुत्र आज का पटना ठीक है अब क्या करें यहां कि इन नगरों और उसके आसपास इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे जैसा कि हमने अभी बताया आपको उसके बाद क्या करेंगे प्रांतों को जिले में विभाजित किया गया था और ये जो भी प्रांत होते थे इनको और भी छोटे छोटे जिलों में क्या कर दिया गया था विभाजित कर दिया गया था इन जिलों की देखभाल स्थानिका एवं गाँवों की देखभाल गाँव के मुखिया करते थे यानी कि जिलों जिला का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे स्थानिका बोलते थे क्या बोलते थे स्थानिका और उसके बाद जिले जो किस में थे वो किसमें डिवाइडेड थे गांवों में और गांवों का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे मुखिया बोलते थे जिन्हें ग्रामिक भी कहा जाता था और जिन्हें और क्या कहा जाता था ग्रामिक भी कहा जाता था यानी कि जो ग्राम का हेड होता था उसको ग्रामिक या फिर मुखिया बोलते थे और जो जिले के हेड होते थे उसकी देखभाल स्थानिका एवं गांव की देखभाल ग्रामिक या फिर मुखिया करते थे तो ये बात आपको याद रखनी है उसके बाद क्या करा है कि प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं की लेखा जोखा रखा करता था यानी कि साथ ही साथ गांव में जो लोग रह रहे हैं तो उनसे टैक्स भी तो लेना है यानी कि कितने पशु रखे हुए है, हैं उनके पास कितनी जमीनें हैं कितनी जमीन पर वो खेती कर रहे हैं कितना उत्पादन हो रहा है इन सब का लेखा जोखा रहेगा तभी तो राजा को उतने टैक्स राजा को उतना टैक्स दिया जाएगा यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा झूठ ना बोल दे कि हमारे पास तो इतना ही हम इतना ही देंगे ऐसा नहीं इन सब चीज़ों की देख रेख करने के लिए क्या होता था कि कुछ अधिकारियों का दल होता था गाँव में जो जितने भी लोग हैं जिन किन पास कितनी संपत्ति कितनी है कितनी जमीनें हैं कितनी जमीनें पे क्या हो रहा है कि कृषि हो रहा है कितना उत्पादन हो रहा है कितनी जानवर हैं उन सभी का लेखा जोखा लोग रखते थे और उनसे क्या लिया जाता था उसके बदले टैक्स लिया जाता था अब क्या करा है कि करो की और ये जो लोग थे ये जो अधिकारी होते थे जो गांव में इन सब चीज की देखरेख करते थे यहां से लोगों से टैक्स वसूल करके बड़े अधिकारियों के पास क्या करते थे टैक्स को देते थे अब क्या करा है कि नगर का प्रशासन परिषद और उसकी छह समितियां देखते थे जिनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे ठीक है आगे क्या करा है यहाँ पे कि न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वो कौन होता था सम्राट होता था यानी कि अगर किसी को मान लीजिए अब साम्राज्य में रह रहे हैं इतने बड़े क्षेत्र है इतना बड़ा साम्राज्य है इसमें जो रहने वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में क्या होगा झगड़ा लड़ाई झगड़ा होगा तो इस झगड़े का निपटारा कौन करता था तो इस झगड़े का जो निपटारा करने वाला जो व्यक्ति था जो सबसे बड़ा न्यायाधीश बोला जाता था वो कौन होता था सम्राट यानी कि अगर मान लीजिए मगध साम्राज्य का जो सम्राट है अशोक तो उसी को क्या बोला जाएगा सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाएगा यानी कि जितनी भी बातें हैं लड़ाई झगड़े होगा अगर फाइनल डिसीजन किसी का होगा तो वो किसका होगा जो मेन सम्राट है अशोक है उसका होगा ठीक है ना तो ऐसा बोला जाता है तो सबसे जो बड़ा न्यायाधीश है वो कौन माना जाता था अशोक माना जाता था अब सॉरी सम्राट माना जाता था अब अशोक अगर मान लीजिए उस साम्राज्य का हेड है तो वही माना जाएगा जो भी राजा होते थे वो क्या माना माने जाते थे सबसे बड़ा न्यायाधीश माने जाते थे अब क्या कहें कि नगरों तथा तो गाँवों में अलग अलग न्यायालय थे यानी कि गाँवों तथा तो नगरों में अलग अलग न्यायालय थे यानी कि जो भी अगर मान लीजिए छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े उनको वहीं पर सुलझा दिया जाता था और क्या करा कि बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे यानी कि जो साधारण पंचायत है जो विलेज का हेड है मुखिया है वही छोटा मोटा अगर कोई लड़ाई झगड़ा है किसी का पशु किसी के खेत में जाकर के चल गया फिर कुछ भी, कोई चुरा लिया, कोई सा वस्तु झगड़ा तो हो रहा है, तो है? न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसले में और दंड देने में उदारता कि जो जो सम्राट होता था वो चाहता था कि जो भी छोटे स्तर के जो लड़ाई झगड़े अगर उसमें किसी को दंड दिया जा रहा है तो जो न्यायाधीश है जो न्याय देने वाले व्यक्ति हैं वो लोगों के प्रति उदारता रखे यानी कि ऐसा ना हो कि कड़ा दंड दे दे मृत्यु दंड दे दे या फिर जो कुछ भी है ऐसा नहीं थोड़ी सी उदारता रखे ये जो राजा है वो एक्सपेक्ट करता था जो भी न्यायाधीश न्याय देने का कार्य करते थे ठीक है अब आगे इसमें क्या है कि अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए अब जब अशोक शासन कर रहा था, था ना तो अपने शासन को यानी कि अपने साम्राज्य में जो लोग थे उनके लिए बहुत सारे कार्य किए जैसे उसने मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाया यानी कि जब राजा का यानी कि जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने बहुत सारे मानवीय कार्य किए यानी कि मानव की भलाई के लिए कार्य किए जैसे उसने मनुष्यों और पशुओं के लिए क्या खुलवाया चिकित्सालय खुलवाया चिकित्सालय मतलब जहाँ पर इलाज करवाया जा सके अस्पताल खुलवाएं साथ ही साथ जहाँ गरीब को निशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती जाती थी थी और उन्हें भी उपलब्ध कराई परिवर्तन हो गया था अशोक का अब क्या कराए कि इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए चाहे यात्रियों के लिए सुख सुविधाओं के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता था ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत में आज जहाँ उड़ीसा राज्य है वहाँ सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम से क्या करें यहाँ पे कि वहाँ पे अशोक सम्राट अशोक के समय में कलिंग नाम का राज्य था यानी कि आज जो उड़ीसा है वहाँ पे क्या है कि कलिंग नाम का एक राज्य था अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की यानी कि कलिंग को जीतने का प्रयास किया यानी कि कलिंग पे जो साम्राज्य जिस राजा का शासन था उसको हराने का निर्णय किसने लिया अशोक ने लिया और यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ तो इधर से भी जो राजा थे वो बोले कि आज आवाज़ देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि अशोक यहाँ पे विजय होता है और यहाँ पे भयंकर युद्ध होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कलिंग के लोग हार गए कलिंग के जो लोग थे वो क्या हो गए हार गए युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया यानी कि इन सब चीजों को इतने मार काट को देख करके अशोक का जो मन है वो दुख से भर गया उसने सोचा कि लोगों से युद्ध को दुख क्या करें यहाँ पे उसने सोचा कि उसने सोचा कि लोगों को दुख पहुंचता है यानी कि युद्ध से क्या होता है लोगों को दुख पहुंचता है इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगा और उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदाया और उसने क्या किया कि अब देखा कि इसका हृदय परिवर्तन हुआ और सोचा कि धर्म के धर्म के आधार पर ही क्या करना चाहिए शासन करना चाहिए किसी को जबरदस्ती अपने कब्जे में नहीं लेना चाहिए युद्ध नहीं करना चाहिए इससे क्या होता है लोगों को नुकसान होता है दुख होता है तो इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने बहुत सारे क्या करवाए चट्टान यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों को रख करके जो पत्थर होते थे तो उन पर क्या किया इसने खुदाई करवाया यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये पिलर होता हुआ या फिर जो चट्टान भी होते थे पिलर बहुत सारे पिलर लगवाए और उस पर क्या करवा दिया लिखवा दिया अपने संदेश को तो इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर